नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साईं बाबा इन्फोटेक चैनल, जहां पर आप सभी को मिलेगी जानकारी बाय शुभम तिवारी। आज के इस फ्रेश एंड कमाल वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के टॉप 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को जानकारी दिया था मध्य प्रदेश के टॉप 5 ओवरऑल कोर्सेज के लिए कौन से कॉलेजेस हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक यहाँ आई बटन पर आपको मिल जाएगी, यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को दे सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं टॉप 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 5 पर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो जबलपुर में है, काफी बेहतरीन कॉलेज है और मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट में ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसकी टोटल फीस 90,000 के अंदर है। मतलब 4 साल का जो कोर्स है वो 90,000 में कंप्लीट हो जाता है। बात करें सीट्स की तो टोटल 90 सीट्स हैं। बात करें कोर्स की तो बीबीटेक के साथ में एमई एमटेक पीएचडी और एमसीए का कोर्स भी आप इस कॉलेज में कर सकते हैं। अब बात करें प्लेसमेंट मतलब पैकेज की तो यहाँ पर आप दे सकते हैं 4 लाख का यहाँ पर एक एवरेज पैकेज है जो इस कॉलेज के बच्चों को दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ नंबर के कॉलेज की। तो फोर्थ नंबर का जो कॉलेज है उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर। इसकी यहाँ पर आप दे सकते हैं ओवरऑल इंडिया में रैंकिंग 81st है। अगर आप बीटेक का कोर्स करते हैं तो इसकी जो टोटल फीस है वो 5,19,000 है। 110 टोटल यहाँ पर सीट्स है। बात करें यहाँ पर कोर्स की तो एमई एमटेक के साथ में एमबीए पीएचडी ड्यूअल डिग्री और बी बीटेक भी आप कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर पैकेज की तो यहाँ पर जो एवरेज प्लेसमेंट दिया जाता है वो 5,12,000 तक का है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड नंबर के कॉलेज की। तो थर्ड नंबर का कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर। ये भी काफी उम्दा कॉलेज है, 75th इसकी टोटल रैंकिंग लगती है इंडिया में। बात करें यहाँ पर टोटल फीस की तो 4,74,000 बीटेक के कोर्स के लिए यहाँ पर आपको देना होगा। कोर्सेज की बात करें तो एमई एमटेक के साथ में पीएचडी आप कर सकते हैं, बी बीटेक कर सकते हैं और बैचलर ऑफ डिजाइन और मास्टर्स ऑफ डिजाइन भी कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर एवरेज पैकेज की तो यहाँ पर जो प्लेसमेंट है 7,41,000 तक का एवरेज पैकेज दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर के कॉलेज की। तो सेकंड नंबर का कॉलेज है मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। ओवरऑल इंडिया में 62 इसका रैंक है। टोटल फीस 5 लाख आपको बीटेक के कोर्स के लिए देना होगा। 184 टोटल यहाँ पर सीट्स है। कोर्सेज की बात करें तो एमई एमटेक के साथ में पीएचडी बी बीटेक बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एमबीए और एमसीए जैसे कोर्स यहाँ पर आप कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर पैकेज की तो एवरेज पैकेज 6 लाख तक का यहाँ पर प्लेसमेंट दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 1 कॉलेज की। तो मध्य प्रदेश का नंबर 1 कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। ओवरऑल भारत में इसकी 13वीं रैंक लगती है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए टोटल 9,28,000 आपको फीस देना होगा। टोटल यहाँ पर 67 सीट्स हैं। बात करें कोर्सेज की तो पीएचडी ड्यूअल डिग्री के साथ में एमई एमटेक बी बीटेक और एमएससी और एमएस जैसे कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर टोटल पैकेज की तो यहाँ पर आप दे सकते हैं जो एवरेज यहाँ पर जो प्लेसमेंट दिया जाता है वो 10 लाख तक का है। तो ये तो रहे मध्य प्रदेश के टॉप 5 कॉलेजेस। अब बात करते हैं 6th रैंक की। तो 6th रैंक का कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। इस कॉलेज की रैंकिंग मध्य प्रदेश में 6वीं लगती है। इसके बाद बात करें 7th रैंक की तो 7th रैंक में माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जिसको MITS भी बोलते हैं, ग्वालियर का ये कॉलेज 7th रैंक का कॉलेज है। 8वीं रैंकिंग की बात करें तो 8वीं रैंकिंग में कॉलेज है सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट SATI विदिशा का कॉलेज। इसके बाद 9th रैंकिंग में उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज UEC जो उज्जैन में है उसकी रैंकिंग लगती है। 10वीं रैंकिंग की बात करें तो इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज IGEC सागर का कॉलेज है। इसके बाद 11वीं रैंकिंग में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय UIT RGPV भोपाल है। इसके बाद 12वीं रैंकिंग का कॉलेज श्री गोविंदराम शेख सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस SGSITS इंदौर का है। इसके बाद 13वीं रैंक का कॉलेज जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर का है। इसके बाद 14th रैंक में ओरिएंटल यूनिवर्सिटी OU इंदौर में है। इसके बाद 15th रैंक का कॉलेज ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर है। यहाँ पर आप सभी ध्यान दें, यहाँ पर जिस भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की रैंकिंग बताई जा रही है ये रैंकिंग हर साल स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट और उनके रिजल्ट के हिसाब से चेंज होते रहती है। चलिए अब बात करते हैं 16वें रैंक के कॉलेज के बारे में। तो 16th रैंक का कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय JNKVV जो जबलपुर में है। इसके बाद 17th रैंक का कॉलेज है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी
बीयू भोपाल में, इसके बाद 18th रैंक में माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल की यूनिवर्सिटी है। इसके बाद 19th रैंक में RKDF यूनिवर्सिटी भोपाल की है। इसके बाद 20th रैंक में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज IIPS इंदौर है। यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस आपको बताए जा रहे हैं उन सभी में एडमिशन लेने के लिए आपको JEE एग्जाम देना होगा। JEE के स्कोर के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और फिर आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद काउंसलिंग में मेरिट के हिसाब से कॉलेज अलॉट किया जाएगा। काउंसलिंग कब से शुरू होगी सब कुछ की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को यहाँ पर मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, जब आप चॉइस फिलिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो जितने भी कॉलेज मैं यहाँ पर रैंकिंग हिसाब से बता रहा हूँ उसी रैंकिंग के आधार पर आप कॉलेजेस का ऑप्शन देंगे। इससे ये होगा कि जब भी आप कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके स्कोर के हिसाब से जो आपके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है वो कॉलेज आपके लिए अलॉट होगा। चलिए अब बात करते हैं 21st रैंकिंग के बारे में। तो 21st रैंकिंग में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट का है। इसके बाद 22nd रैंकिंग में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय RGPV भोपाल है। इसके बाद 23rd रैंकिंग में पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंदौर है। इसके बाद 24th रैंकिंग में विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन है। इसके बाद 25th में AKS यूनिवर्सिटी सतना है। इसके बाद 26th रैंकिंग में MIT यूनिवर्सिटी ग्वालियर है। 27th रैंकिंग में जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल है। इसके बाद 28th रैंकिंग में नौगांव इंजीनियरिंग कॉलेज छतरपुर है। इसके बाद 29th रैंकिंग में स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर है। इसके बाद सबसे लास्ट 30th रैंकिंग में GH रायसोनी यूनिवर्सिटी सौसर की है। यहाँ पर आपने देखा मध्य प्रदेश के टॉप 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।